हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल हिमाचली ब्लॉग्स करण ठाकुर में। तो दोस्तों, अभी बजे हैं सुबह के 9, और अगर आज मौसम की बात करें तो मौसम खराब भी है और हल्की धूप भी है। तो हल्के हल्के बादल और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है सुबह से। हालांकि कल शाम को भी हल्की हल्की बारिश हुई यहाँ पर हमारे यहाँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। और जो चैनल मैंने है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस भी जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की मेरी ऑल नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे गाइस। तो आप आसमान की ओर देख सकते हैं दोस्तों, धुंध छाई हुई है और वहाँ पर भी बादल और धुंध ही धुंध है और मौसम खराब है, हल्की हल्की धूप है। तो पहाड़ों में ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर धुंध बहुत ही नीचे को डाउन में आ चुकी है और यहाँ पर भी भाग रही है गाइस। दोस्तों, आज का जो ये मौसम है इसको देखकर बरसात वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि बरसात में इस तरह का अक्सर मौसम रहता है, हल्की धूप, हल्के बादल और टाउन साइड में बहुत ज़्यादा धुंध रहती है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी रहती है उस टाइम। तो सेम फीलिंग वैसी हो रही है इस मौसम को देख के। हालाँकि आजकल बरसात नहीं है, ये तो फरवरी का महीना चला है, तो इस वरी स्नोफॉल का जो है चांस रहता है, बट अभी तक स्नोफॉल नहीं हुआ है। हम लोगों को इंतज़ार था, अब मुझे नहीं लगता कि इस बारी स्नोफॉल होगा हमारे यहाँ, क्योंकि हाइट में जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहाँ पर तो काफ़ी हिमपात हो चुका है और हुआ भी है और कल शाम को भी हुआ है दोस्तों। यहाँ पर हमने लगाया है हरा धनिया यानी कि कुरिएंडर अपने यूज़ के लिए, तो अभी जो है ये ग्रो नहीं कर रहा है। लगता है इसमें मैक्सिलाइज़र के यूज़ करना पड़ेगा। मैक्सिलाइज़र मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है जिससे ये ग्रो करेगा, मुझे लगता है वो डालना ही पड़ेगा। तो हरा हरा धनिया, नहीं तो बहुत बड़ा बड़ा होना था इस टाइम। और साथ में यहाँ पर है पालक, हरा पालक, ये भी अपने सेल्फ यूज़ के लिए है। तो पालक की सब्जी बहुत ही विटामिन और प्रोटीन युक्त होती है खाने को। तो लगता है यहाँ पर भी मैक्सिलाइज़र का यूज़ करना पड़ेगा, तो विटामिन्स को बढ़ाता है जो हरी पालक की सब्जी होती है। तो दोस्तों, ये है हमारे नानी जी जो कि भखुन से है। तो यहाँ पर मेरे घर के साथ इनका दोगरा है, तो ये पैदल आते हैं जाते हैं, बहुत ऊंचाई पे है ऊपर भखुन और यहाँ पर दोगरा बहुत डाउन में पड़ता है इनका, तो पैदल आते जाते हैं। इस टाइम भी फिट है और स्वास्थ्य भी एकदम सही है। अभी तकरीबन उम्र भी, कितनी आपकी उम्र जी? इनकी जो उम्र है 80 से भी ऊपर हो चुकी है ऐसा इनका मानना है, ऐसा बोल रहे हैं ये। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी फिटिंग को देख के। तो अभी कहाँ गए थे आप नानी जी? मैं तो कल गई हूँ।
घर गए थे आप? आप घर गए। और घर से पैदल आया नीचे आप? पैदल। ऊपर को आप पैदल जाते हैं? बहुत। तो थकते नहीं आप? थकते नहीं आप पैदल जाते हुए? क्या क्या करना, ये तो जाना पड़ता ना। हाँ जाना पड़ता है, मतलब मजबूरी है पैदल चलने की। हाँ जी हाँ जी, ये तो जाना पड़ता। हाँ क्योंकि ये फेट इसलिए इन्होंने पहले जो है पुराना अनाज खाया हुआ है, जो हमारा जो पुराना अनाज होता था पहले, क्या क्या होता था पुराना अनाज जो आपने खाया हुआ है आप बता सकते हैं हमारे जो मतलब दर्शक लोग हैं हमारे? अब लुकड़ पुकड़ हुए मतलब खाने को। हाँ जी, पहले क्या क्या होता था, क्या क्या खाया पहले आपने? पहले हम कोदो, हम खाए छाली, हम खाए सरेर, हम खाए गेहूं, हम खाए जौ, हम कावने कोदरो। हाँ जी सारे चीज बिल्कुल, जो ये नानी जी बोल रहे हैं ये जो है पुरानी जो है हमारे यहाँ की जो पुराना खान पान था, कोदरा जिसकी रोटी होती है, सरेरा होता है जिसके चावल होते हैं, कावनी होती है जिसका चावल होता है, क्या बोलते हैं छल्ली होती है, मक्की होती है, और भी बहुत सारे मतलब पुराने अनाज थे, और चावल उपता धान बोलते हैं हमारे, जो कि हमारे खेतों में होता था, आज की डेट में खत्म हो चुका है, ये लोग उगाते थे। लाल भात बोलते हैं वो, लाल चावल होते हैं वो खाने के लिए, मोटे मोटे चावल, मोटा चावल, मोटा भात चावल। हाँ जी हाँ जी, और क्यारों में होते हमारे नारोड़ नट के चावल बोलते हैं, वो भी आज होते हैं हमारे यहाँ लेकिन बहुत कम। नहीं खाया, हम खाया पर मोटे चावल। हाँ ये बोल रहे कि इन्होंने अपने मोटे चावल खाए, इन्होंने नहीं खाए, दुकान के चावल तो खाए नहीं, मतलब नहीं कणक भी नहीं खाया उस टाइम, नहीं तभी तो फिट है। और कोई संदेश तरह संदेश देना चाहेंगे आप नए नए बच्चों को? शराब नहीं पीना, आगो परिवार को दसने पिछू, आगो पिछू को भावना, शराब पीने बीड़ी पिया, दम पिया, पागल गए बने, दम पी पी गए पागल बने। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या ही पागल हुए, मार दे बूझा, क्या अब कौन, क्या अब कौन। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जैसे शराब पिया तेसरे पागल, जैसे बीड़ी पी तेसरे दम, ज्यादा जो हाथ मार हुआ और पीना ज्यादा, ये थक ज्यादा मस्त हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ जो है। तो दोस्तों नानी जी नए जनरेशन को संदेश दे रहे हैं कि बीड़ी ना पिए, शराब ना पिए, नशे का सेवन ना करें, और अपने से बड़ों का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों का सम्मान करें, सभी बच्चों को ये मैं ही बोलता हूँ, उनका आदर सत्कार करें, और बुरी संगति से दूर रहें, और अच्छी संगति करें, और हमेशा स्वस्थ रहें। तो नानी जी से मिलकर बहुत खुशी हुई। शिमला में बीमार है, अच्छा ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। कैसा लगा आपको नानी जी से मिलके, तो कमेंट करें दोस्तों, कमेंट में बताएं। क्या करा भाई? हाँ जी, ये थी दोस्तों मेरी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें जो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, और चैनल में बने रहें दोस्तों। अब मिलते हैं अगली एक ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, नमस्कार, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय।